हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी की तैयारियों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वह भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहें और आपको बेहतरीन क्लासें मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, नोट डाउन करते चले, सभी चीज़ों को वन बाय वन नोट डाउन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी क्लास में आना ना भूलें, सभी लोग समय से क्लास में आ जाएं और क्लास ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बोला गया है असत्य कथन पहचानना है। ए, तंत्रिका पट अंगों के मध्य प्रत्येक बिंदु पर तीव्र समन्वय प्रदान करता है। बी, तंत्रिका समन्वय धीमा और दीर्घकालिक होता है। सी, तंत्रिका तंतु शरीर की सभी कोशिकाओं के भीतर नहीं जाते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन पहचानना है तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ होगा बी सही, जो बी है हमारा, तंत्रिका समन्वय धीमा और दीर्घकालिक होता है। नोट डाउन करते चलेंगे, वन बाय वन फैक्ट नोट डाउन कीजिएगा। तंत्रिका समन्वय धीमा और दीर्घकालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्मोन्स अपोषकीय रसायन है जो ब्लैंक संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं और अल्प मात्रा में उत्पादित होते हैं। बोला गया है कि जो हार्मोन अपोषकीय रसायन है जो संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं और अल्प मात्रा में उत्पादित होते हैं, किस तरह के संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं? तो पहला है अंतरकोशिकीय, फिर बी अंतराकोशीय, सी बाह्य कोशिकीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए अंतराकोशीय, जो अंतरकोशीय है, अंतरकोशिकीय कोशिकीय जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन समन्वय प्रदान करते हैं। हार्मोन्स समन्वय प्रदान करते हैं। कशेरुकी में, अकशेरुकी में, विकल्प ए तथा बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए राइट हो जाएगा, कशेरुकी में जो हार्मोन समन्वय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है वह क्या है? डाइनसिफेलॉन का अग्रभाग, डाइनसिफेलॉन का पश्च भाग, डाइनसिफेलॉन का मध्य भाग, डाइनसिफेलॉन का अधर भाग। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, जो डाइनसिफेलॉन है इसका अधर भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो याददाश्त वगैरह और मतलब इच्छा शक्ति जो हमारी होती है उसमें उसका कार्य करता है, मस्तिष्क में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस में निहित विभिन्न तंत्रिका स्त्रावी कोशिका के समूह को कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस में निहित विभिन्न तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, पैराइटल कोशिकाएं, ऑक्सिनटिक कोशिकाएं, न्यूक्ली कोशिकाएं और जी कोशिकाएं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी राइट हो जाएगा, न्यूक्ली, जो इसकी जो विभिन्न कोशिकाओं के समूह है उसे न्यूक्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करता है, उद्दीपक हार्मोन, विमोचन हार्मोन, उद्दीपक हार्मोन, निरोधक हार्मोन, बाह्य स्त्रावी हार्मोन, निरोधक हार्मोन, बाह्य स्त्रावी हार्मोन, उद्दीपक हार्मोन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी सही हो जाएगा, उद्दीपक हार्मोन, निरोधक हार्मोन जो है वह हाइपोथैलेमस में हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट है
GnRH गोनेडोट्रोपिन विमोचन हार्मोन उत्तेजित करता है। जो GnRH है गोनेडोट्रोपिन विमोचन हार्मोन वह किसे उत्तेजित करता है? ए है पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन मुक्त करने हेतु। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है ब्रेन में होती है, सबसे छोटी कहना चाहिए ग्रंथि होती है ये। उसके बाद में बी पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन के संश्लेषण एवं विमोचन हेतु। सी वृषण को गोनेडोट्रोपिन मुक्त करने हेतु। डी हाइपोथैलेमस को गोनेडोट्रोपिन मुक्त करने हेतु। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बी करेक्ट हो जाएगा। जो पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन के संश्लेषण एवं विमोचन हेतु उत्तेजित करता है GnRH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टेटिन द्वारा हाइपोथैलेमस है। जो सोमेटोस्टेटिन है उसके द्वारा हाइपोथैलेमस क्या है? ए वृद्धि हार्मोन के विमोचन को सक्रिय करती है। बी वृद्धि हार्मोन के विमोचन को रोकती है। सी पाचन प्रणाली में एंजाइम के विमोचन को रोकती है। डी पिनियल ग्रंथि द्वारा एंजाइम विमोचन का सक्रियण करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी करेक्ट हो जाएगा। जो वृद्धि हार्मोन के विमोचन को रोकती है वह इस सोमेटोस्टेटिन द्वारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वृद्धि हार्मोन को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। ए हाइपोथैलेमस मेसेंसिफेलॉन मध्य मस्तिष्क का अधर भाग है। बी यह शारीरिक क्रियाओं के विस्तृत प्रकारों का नियमन करता है। डी हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं हार्मोन का स्त्रावण करती है। डी हाइपोथैलेमस के हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के संश्लेषण का नियमन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। हाइपोथैलेमस मेसेंसिफेलॉन मध्य मस्तिष्क का भाग है। हमारा जो मस्तिष्क है वो तीन भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि का पश्चिम भाग एक वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है उसका पश्चिम भाग एक वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि यह एक नलिका के साथ उपस्थित होता है। बी यह केवल हार्मोन का संग्रहण एवं विमोचन करती है। सी यह हाइपोथैलेमस के नियमन के अंतर्गत आता है। डी यह एंजाइम स्त्रावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है यह केवल हार्मोन का संग्रहण एवं विमोचन करती है। पीयूष ग्रंथि का जो पश्चिम भाग एक वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्यों नहीं है बोला गया है? तो क्योंकि यह जो है हार्मोन्स का संग्रहण एवं विमोचन करती है, उसे संग्रहित भी करती है और बाहर भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमें ब्लैंक्स फिल करना है। पीयूष ग्रंथि एक अस्थि गुहा में उपस्थित होती है जिसे कहा जाता है, और एक व्रंत द्वारा खाली स्थान से जुड़ी होती है। उपरोक्त कथन ए बी की पूर्ति को कीजिए, पहचानिए। ए पर्याविका या सेला टर्सिका, बी मध्य मस्तिष्क, ए पर्याविका अग्र मस्तिष्क, ए पर्याविका, बी हाइपोथैलेमस, फिर डी है ए पर्याविका, बी पीनियल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए पर्याविका, बी हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि एक अस्थि गुहा में उपस्थित होती है जिसे पर्याविका कहते हैं, और जो एक व्रंत द्वारा या हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है।
जो एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और ये जो है पर्यायविका होती है कहलाती है, उपस्थित जो अस्थि गुहा में उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि वह पर्यायविका कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया, एक भाग है जो पार्स इंटरमीडिया है वह किसका भाग है? पश्च पीयूषिका का, अग्र पीयूषिका का, पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड का, हाइपोथैलेमस का। पश्च पीयूषिका का, अग्र पीयूषिका का, पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड का, हाइपोथैलेमस का, पार्स इंटरमीडिया। तो जो पार्स इंटरमीडिया है वह भाग है अग्र पीयूषिका का, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, अग्र पीयूषिका का भाग है पार्स इंटरमीडिया। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रोसिन का संग्रहण एवं विमोचन होता है। ए पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा, बी पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा, सी पीयूष ग्रंथि के मध्यपिंड द्वारा और डी पीयूष ग्रंथि के हाइपोथैलेमस पिंड द्वारा। अग्रपिंड द्वारा, पश्चपिंड द्वारा, ग्रंथ जो पीयूष ग्रंथि के मध्यपिंड द्वारा या हाइपोथैलेमस पिंड द्वारा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट। पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और वैसोप्रोसिन हार्मोन का संग्रहण एवं विमोचन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप नोट डाउन करना ना छोड़ें, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें, एक एक चीज़ों को नोट डाउन करें, अगर आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो आपको आगे भी ये काम देगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि नोट डाउन करते चले, अगर नोट डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात रहती कि हमने यार लिखा था या कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमकायता एवं बौनापन रोग संबंधित है, भीमकायता एवं बौनापन रोग संबंधित है। ऑप्शन है स्तन ग्रंथि के प्रोलैक्टिन हार्मोन से, बी एडिनो हाइपोफाइसिस के वृद्धि हार्मोन से, सी पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, डी थायराइड के थायराइड उद्दीपक हार्मोन से। जो भीमकायता या बौनेपन जो संबंधित है वह रोग, वह किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। अगर आपने किसी भी वजह से बी आंसर किया है तो बहुत सही तैयारी चल रही है फ्रेंड, ऐसे ही तैयारी करते रहें आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस के वृद्धि हार्मोन से भीमकायता या बौनेपन रोग संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है भीमकायता और अतिकायता जो एक्रोमेगैली है, एक्रोमेगैली की अवस्थाओं से सह संबंधित है, भीमकायता और अतिकायता की अवस्थाओं से संबंधित है, सह संबंधित। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटरीज्म, हाइपोपिट्यूटरीज्म, हाइपरपिट्यूटरीज्म और हाइपरथायराइडिज्म। थायराइडिज्म जो हाइपोथायराइडिज्म है वह, या फिर हाइपोपिट्यूटरीज्म है, फिर या हाइपरपिट्यूटरीज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हाइपरपिट्यूटरीज्म है वह भीमकायता और अतिकायता की अवस्थाओं से सहसंबंधित होता है। नेक्स्ट है नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? FSH, एंड्रोजन, विकल्प ए तथा बी दोनों, हाइपोथैलेमस। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए तथा बी दोनों, सी राइट हो जाएगा। जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है अपना FSH वह और एंड्रोजन दोनों के नियमन द्वारा जो है नर शुक्राणुजनन का नियमन होता है, इनके द्वारा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है वो, FS का फुल फॉर्म फॉलिटिंग
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में पूर्ण रूप से परिपक्व पुटिकाएं जिन्हें भी कहा जाता है के अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिकाओं के अंडोत्सर्ग के पश्चात अवशेषों से बनी की खाली स्थल की देखरेख करता है। दिए गए कथन के संदर्भ में सही का चयन कीजिए। ए है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोलेंगे, फिर बी ग्राफियन पुटिकाएं, सी गर्भावस्था ए, फिर बी में है FSH ग्राफियन पुटिकाएं कार्पस ल्यूटियम, ए FSH बी ग्राफियन पुटिकाएं, सी गर्भावस्था डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ग्राफियन पुटिकाएं कार्पस ल्यूटियम। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डी, सभी साथी डी आंसर करें, डी आंसर होगा राइट। ए में आएगा मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH है पूर्ण रूप से परिपक्व पुटिकाओं जिन्हें ग्राफियन पुटिकाएं भी कहा जाता है के अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिकाओं के अंडोत्सर्ग के पश्चात अवशेषों से बनी कार्पस ल्यूटियम की देखरेख करता है। जो कार्पस ल्यूटियम है सी नंबर पे कार्पस ल्यूटियम आ जाएगा, उसकी देखरेख करता है। FSH जो है उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है फ्रेंड्स, और LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान देंगे सभी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ग्राफियन पुट्टिका और सी कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव त्वचा में जो है कि वर्णकता की देखरेख करता है, मानव त्वचा में त्वचा की वर्णकता की देखरेख करता है FSH LH MSH ACTH। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, MSH हार्मोन्स जो है मानव में जो त्वचा की वर्णकता है उसकी देखरेख करता है, मॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मत्स्य संवर्धन के कौन सा हार्मोन, मत्स्य संवर्धन में कौन सा हार्मोन युग्म अत्यधिक महत्वपूर्ण है, TSH और ACTH, FSH और LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग FSH और LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन का कार्य है, जो ऑक्सीटोसिन है उसका कार्य चिकनी मांसपेशियों का संकुचन, गर्भाशय का संकुचन, दुग्ध स्रावण, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका कार्य होता है कि दुग्ध मांसपेशियों का संकुचन, गर्भाशय का भी संकुचन, प्रेगनेंसी के समय भी ये काम आता है, और दुग्ध स्रावण जो मतलब कहना चाहिए गर्भावस्था के बाद यह दुग्ध स्रावण के लिए भी इसका ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन्स महिलाओं को लगाए जाते हैं, तो यह इसमें भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्क की दूरस्थ नलिका द्वारा जल एवं वैद्युत अपघटियों का पुनः अवशोषण और इसके पश्चात मूत्र में होने वाली जल की हानि को पुनः अवशोषण द्वारा कम करता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, FSH, LH। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, बी राइट हो जाएगा हमारा। वैसोप्रेसिन जो है वो पुनः अवशोषण द्वारा कम करता है जल की हानि को, जो है मूत्र में होने वाली जल की हानि को पुनः अवशोषण द्वारा कम करता है, तो वैसोप्रेसिन है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध निर्माण की गतिविधि का नियमन खालिस्तान की क्रिया द्वारा होता है, जबकि दुग्ध स्त्रावण का नियमन खालिस्तान हार्मोन द्वारा किया जाता है, ए बी के संदर्भ में कहे गए हैं। ए है ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, बी प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन, सी प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन, डी ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी हमारा राइट है। कैसे? जो दुग्ध निर्माण की गतिविधि का नियमन है प्रोलैक्टिन क्रिया द्वारा होता है, जबकि दुग्ध स्त्रावण का नियंत्रण, अभी हमने बात किया था कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने से दुग्ध का स्त्रावण स्टार्ट हो जाता है, तो दुग्ध स्त्रावण का नियंत्रण ऑक्सीटोसिन के हार्मोन द्वारा किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है, पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है, ए अग्रमस्तिष्क के अधर भाग में, बी अग्रमस्तिष्क के पार्श्व भाग में, सी अग्रमस्तिष्क के पृष्ठ भाग में, डी अग्रमस्तिष्क के पश्च भाग में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अग्रमस्तिष्क के पृष्ठ भाग में पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। जो हमारा सी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। एमिनो अम्ल जो है ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण में पूर्वगामी होता है, अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण में पूर्वगामी होता है, ए थायरोक्सिन एवं ट्राइआइडोथायरोनाइन, फिर बी एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रॉन, सी कार्टिकोशल एवं कार्टिसोल, डी मेलेटोनिन एवं सेरेटोनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेलेटोनिन एवं सेरेटोनिन जो है अम्लीय, जो अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफेन जो है वो मेलेटोनिन और सेरेटोनिन के संश्लेषण से पूर्वगामी होता है। डी ऑप्शन सही। चित्र दिए गए चित्र में ए बी सी डी को पहचानिए और सही संयोजन को चुनिए। थायराइड, ट्रेकिया, वोकल कार्ड, पैराथायराइड ग्रंथियां, बी ट्रेकिया, थायराइड, वोकल कार्ड, पैराथायराइड ग्रंथियां, सी ट्रेकिया, वोकल कार्ड, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां, डी पैराथायराइड ग्रंथियां, वोकल कार्ड, थायराइड, ट्रेकिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो ये ए है ये वाला भाग, ये हमारा हो जाएगा थायराइड। ठीक है, थायराइड होगा, थायराइड। फिर बी वाला भाग, ये वाला भाग हमारा ट्रेकिया हो जाएगा। ठीक है, सी वाला भाग हमारा वोकल कार्ड हो जाएगा, ये वाला हमारा वोकल कार्ड होगा। और जो डी वाला भाग है ये और ये जो भाग है ये हो जाएगा हमारा पैरा थायराइड, पैरा थायराइड ग्रंथियां। ठीक है, तो ऑप्शन ए थायराइड, बी ट्रैकिया, सी वोकल कार्ड और डी पैराथायराइड ग्रंथियां जो हैं हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। थायराइड ग्रंथि मानवों में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है, बी थायराइड T3 और T4 का स्त्रावण करती है, सी थायराइड ग्रंथि पुटिकाओं एवं भरण उत्तकों की बनी होती है, डी थायराइड में चार पालियां या पिंड होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो थायराइड में चार पालियां या पिंड होते हैं। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि बनी होती है पुटिकाओं की भरण उत्तकों से, ट्रैकिया से, विकल्प ए तथा बी दोनों। पुटिकाओं भरण उत्तकों से, ट्रैकिया, विकल्प ए बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विकल्प ए तथा बी दोनों, पुटिकाओं से भी और भरण से भी थायराइड ग्रंथियां बनी होती हैं। क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के किस भाग द्वारा T3 एवं T4 का संश्लेषण है, पुटिकाओं से, पिटकीय उत्तकों से, इरिथियमस से या विकल्प ए तथा बी दोनों।
ऑप्शन ए राइट आंसर। पुट्टिकाओं से थायराइड ग्रंथि जो है वह पुट्टिकाओं से T3 T4 संश्लेषण होता है थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट है, एक गर्भवती एक शिशु को जन्म देती है, एक गर्भवती महिला एक शिशु को जन्म देती है जो छोटे कद, मानसिक मंदता, निम्न बुद्धि लब्धि एवं असामान्य त्वचा से ग्रसित है। यह परिणाम है आहार में आयोडीन की कमी से वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावण और थायराइड ग्रंथि में कैंसर से पार्स डिस्टेलिस का अति स्रावण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आहार में आयोडीन की कमी से जो है वह मंद बुद्धि का, निम्न बुद्धि का या लब्धि, असामान्य त्वचा से ग्रसित है और मानसिक मंदता का शिकार है। तो यह आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, क्रिटेनिज्म मानसिक मंदता, निम्न बुद्धि लब्धि, असामान्य त्वचा, बहरापन, गूंगापन आदि परिणाम है। हाइपरथायरायडिज्म के, गलगंड के, हाइपोथायरायडिज्म के और बी तथा सी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी। हाइपोथायरायडिज्म का जो यह उदाहरण है या परिणाम है जो ये असामान्य त्वचा, बहरापन, गूंगापन आदि, निम्न बुद्धि लब्धि, क्रिटेनिज्म, मानसिक मंदता, यह सब जो है वह हाइपोथायरायडिज्म का परिणाम होता है। नेक्स्ट है, ग्रेव्स रोग किस कारण से होता है, ग्रेव्स रोग किस कारण से होता है, थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से, थायराइड ग्रंथि के अति स्रावण से, एड्रिनल ग्रंथि के अल्प स्रावण से, एड्रिनल ग्रंथि के अति स्रावण से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी सही होगा हमारा। जो थायराइड ग्रंथि है उसके अति स्रावण से ग्रेव्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड को जन्म से ही पृथक करने का कारण होगा, थायराइड को जन्म से ही पृथक करने का कारण होगा, मिक्सिडिमा, क्रिटेनिज्म, विकल्प ए तथा बी दोनों, नेत्रोत्सेधी गलगंड। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो क्रिटेनिज्म है वह थायराइड को जन्म से ही पृथक करने का कारण होगा। नेक्स्ट है, पीटीएच है एक हाइपरकैलेमिक हार्मोन, हाइपोकैलेमिक हार्मोन, एंडोकैलेमिक हार्मोन, एक्सोकैलेमिक हार्मोन। जो पीटीएच है वह ऑप्शन ए राइट आंसर, यह है हाइपरकैलेमिक हार्मोन है। नेक्स्ट है, शरीर में कैल्शियम संतुलन की में महत्व जो है संतुलन शरीर में कैल्शियम संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका को नियंत्रित करते हैं, पीटीएच और एफएसएच, पीटीएच और टीसीटी, टीसीटी और एफएसएच, टीसीटी और जीएच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटीएच और टीसीटी। नेक्स्ट है, हार्मोन जो रुधिर कैल्शियम Ca2+ को बढ़ाता है और Ca2+ उत्सर्जन को पुनः अवशोषण द्वारा घटाता है, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, इंसुलिन, ACTH। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पैराथार्मोन जो है वह जो कैल्शियम 2+ उत्सर्जन में पुनः अवशोषण को घटाता है, जो पैराथार्मोन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण रुधिर बहाव का समय बढ़ता है और रुधिर स्कंदन में देरी होती है, एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन, पैराथार्मोन, थायरोक्सिन। एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन, पैराथार्मोन और थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो पैराथार्मोन है वह हार्मोन की कमी के कारण रुधिर बहाव का समय बढ़ता है और रुधिर स्कंदन में देरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
थाइमस ग्रंथि एक गोलाकार संरचना है जो खालिस्थान तथा महाधमनी के खालिस्थान भाग में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि खालिस्थान तंत्र के विकास के लिए यक में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। विकल्प है सही। अधर हृदय प्रतिरक्षा, पार्श्व गुर्दे परिसंचरण, पृष्ठ हृदय प्रतिरक्षा, पृष्ठ पैराथायराइड जो परिसंचरण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो थाइमस ग्रंथि एक गोलाकार संरचना है वह पृष्ठ जो पृष्ठ तथा महाधमनी के हृदय भाग में स्थित होती है। थाइमस प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि हार्मोन का विमोचन करती है। ए T4, बी T3, सी थाइमोसिन, डी TCT। T4, T3, थाइमोसिन, TCT। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड, थाइमोसिन जो है थाइमस ग्रंथि वह थाइमोसिन हार्मोन का विमोचन करती है। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे बेहतरीन कंटेंट के लिए समाधान स्टडी परिवार के साथ। और नोट डाउन करते रहे हमारी क्लासें कंटेंट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको किसी टॉपिक वाइज पढ़ना है फ्रेंड्स, तो आप वो भी हमें बता दीजिएगा कमेंट में कि हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे, क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा देंगे। ठीक है, अभी बहुत सी परीक्षाएं होनी है फ्रेंड, तो तैयारी जारी रखें, बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट ना करें और पढ़ते रहें समाधान स्टडी से। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।